वेलकम टू आवर चैनल ग्लोब ट्रॉटर फूडी। आज हम बनाने जा रहे हैं मिंट कोरिएंडर पुलाव। उसके लिए हमें ग्रीन पेस्ट बना के लेनी है, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं बंच ऑफ पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, दो अनियन काट के लिए हैं, 7-8 लहसुन, 1 इंच अदरक, 3 हरी मिर्च, लौंग, पेपर और दालचीनी। इसकी पेस्ट बना के लेनी है। मैंने इसमें 2 कटोरी बासमती चावल धो के भिगो के रखा है आधे घंटे के लिए। अब हमारी ग्रीन पेस्ट बन गई है। मैंने एक छोटा कांदा, थोड़ी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, मरी और तेजपत्ता ये तड़के के लिए लिया है। वेक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम करके लिया है। उसमें हम डालेंगे ये खड़े मसाले, कांदा, और तेजपत्ता और उसको सौटे करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक 2-3 मिनट तक सौटे करेंगे। अब ये थोड़ा कलर चेंज हो चुका है अनियन का, मैं इसमें थोड़ा कैरेट्स ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो ग्रीन कलर की सब्जी अवेलेबल होगी घर पे वो आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज़ इट्स अ ग्रीन पुलाव। मैंने जो अवेलेबल है वो डाला है। इसमें हम अभी ये ग्रीन पेस्ट मिला लेंगे। और उसको थोड़ा कुक होने देंगे। अब ये थोड़ा कुक हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे स्वादानुसार। और उसमें राइस भी मिक्स कर लेंगे, भिगोया हुआ बासमती चावल। उसे 2 मिनट ढक के रखेंगे। अब ये थोड़ा पक चुका है, इसमें मैंने थोड़ा गर्म पानी करके लिया है और इसमें मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, 1 कटोरी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसको ढक के 5 से 10 मिनट तक उसको कुक करेंगे। अब हमारा पुलाव बन चुका है, अब इसकी प्लेटिंग करेंगे।
और हमारा ग्रीन पुलाव रेडी है, जिसे आप दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं या जो सलाद है अवेलेबल है उसके साथ आप खा सकते हो।